नो, आप उसको गलत तरीके से इस सदन को पेश कर रहे हो, ये सदन इसके लिए नहीं है। गिरधारी यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गिरधारी यादव जी, आज मैं इस सदन में जो खड़ा हुआ हूँ बड़ा ही पीड़ादायक है। एक तो मैं माननीय सदस्य को एक्सपेल कर रहे हैं, दूसरे साथ ही साथ ये दुर्भाग्य है इस सदन का कि हमारे माननीय निशिकांत जी को तो हमने क्रॉस करने के लिए बुला लिया, लेकिन दर्शन हीरानंदानी उसने एफिडेविट दिया उसको नहीं बुलाया। हम तो एमपी से नीचे हो गए, क्यों बुलाया गया निशिकांत जी को? यदि एफिडेविट पर ही विश्वास करना था, निशिकांत जी के माननीय सांसद को वो विश्वास क्यों किया गया? जब यह किया गया था तो दर्शन को भी बुलाना चाहिए था। ये तो दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय, ये तो मेंबर ऑफ द कमेटी, ये क्या बोल रहे हैं? ये मेंबर ऑफ द कमेटी ये क्या बोल रहे हैं? और ये आपके निर्णय के खिलाफ बार बार सजा नहीं हो सकता है? हसन मसीदी दर्शन, हम लोगों ने कमेटी में मांग किया था, हमारे कमेटी ने कहा था बुलाएंगे और नहीं बुलाया, कोई चर्चा नहीं हुआ। हसन मसीदी जी, हसन मसूदी जी, आप बोलना चाहते हैं? हसन मसूदी जी, सर, ऑनरेबल स्पीकर, आचार समिति के अध्यक्ष ने कहा था कि दर्शन हीरानंद नानी को बुलाएंगे, उन्होंने नहीं बुलाया। दानिश जी, हम हमारे चेयरमैन खड़े हैं, कोई बात ही नहीं हुआ, दो मिनट में खत्म मीटिंग। आए उधर से बोला डिसेंट नोट दीजिए, मेंबर है का डिसेंट नोट भी शामिल नहीं किया आपने। अगर सब एथिक्स कमेटी का मेंबर को मौका देना चाहिए, और एकदम एकदम फॉल्स रिपोर्ट, कोई चर्चा नहीं, हमारा प्रतिष्ठा का हनन किया गया। हम एमपी को बुलाते हैं और पूंजीपति को नहीं बुलाते जो आरोप लगाता, न्याय प्राकृतिक होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। हम जानते हैं आप जिस चेयर पर बैठे हैं आपको पूरा अधिकार है, लेकिन आप बताइए न्याय दिखना भी चाहिए। फिर आप गलत, न्याय दिख नहीं रहा, आपने नहीं बुलाया और हमको बुला लिया। और जहां तक पासवर्ड, प्लीज एक मिनट प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य, बार बार मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मेरा अधिकार नहीं है, ये सभा का अधिकार है, आप अपने शब्दों को ठीक से बोलो। कोई मैं न्यायाधीश थोड़ी हूं जो मैं निर्णय कर रहा हूं, ये सभा का अधिकार है। अगर सभा का अधिकार नहीं तो फैसला सुना देता मैं, ये सभा का अधिकार है। ठीक है अध्यक्ष महोदय, और जहां तक शपथ पत्र का, शपथ पर नहीं हो सकता है, क्रॉस पर होना चाहिए था। बिना काम का शपथ पत्र पर किसी को सजा नहीं दे सकते। और हमारे एक माननीय हमारी डॉक्टर हिना जो सांसद सदस्य हैं, उन्होंने कहा पासवर्ड कभी नहीं दिया गया, पासवर्ड में हुआ मोहित्रा जी के पास था, भले लॉगिन कहीं से हो, और हमारा भी पासवर्ड मुझे याद नहीं है, मेरे पीए के पास है। मैंने कोई प्रश्न नहीं किया इस बार लोकसभा में डर से कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हम तो आज तक मेरा प्रश्न दूसरा करता था, मैं कभी अपना प्रश्न बनाता नहीं, बहुत सारे एमपी नहीं बनाते, बहुत वो बहुत इंटेलिजेंट होंगे जो दो घंटे में पढ़ लिए, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं पढ़ पाए। और मैं प्रश्न अपना कभी नहीं करता हूँ, मेरा पीए करता है, मेरा और स्टाफ करता है, और मैंने इस बार एक भी क्वेश्चन डर से नहीं लगाया, लोकतंत्र में डराया गया है, आप मैंने नहीं किया, हमको आता ही नहीं है। हमको तो कंप्यूटर चलाना अध्यक्ष महोदय नहीं आता है, हम तो लिख के दिए, मुझे दिया जाए, नहीं दे रहे, नहीं जानता हूँ क्या करें। हम तीसरी बार सांसद हैं, चार बार एमएलए, बुढ़ारी में सीख सकते हैं हम, बूढ़े का वो पोस्ट मांगता है, लालू जी कहते थे, नहीं हो सकता है। मैंने कोई प्रश्न नहीं किया, 377 बड़ी मुश्किल से डाला, इसके पहले पूरा प्रश्न करता था, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं। इसलिए जिना काम का बाजबरदस्ती, ये मनुस्मृति में कहा गया है सबके लिए अलग अलग कानून होगा, वही मनुस्मृति भारतीय जनता वाटे वाली लागू करना चाहते हैं। ये मनु का धर्म नहीं है, ये मनु का समय नहीं है, लोकतंत्र है। इसलिए लोकतंत्र में आप लोकतंत्र का गला मत दबाइए, लोकतंत्र का हत्या मत करिए। बहुआ मेहता का जो प्रश्न है, एक मिनट प्लीज अपराजिता, एक मिनट माननीय सर, प्लीज एक मिनट, एक मिनट। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह प्रश्न खुद बनाए और खुद डाले। हमारे प्रश्न कोई भी बनाकर नहीं डाल सकता। आपके खिलाफ इस विषय को लेकर गंभीर कार्रवाई हो सकती है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं आप। नो, इस संसद की गरिमा को मैं निगरने दूंगा, क्योंकि मैं यहां का
कॉन्स्टिट्यूशन, मैं सभापति हूं इसलिए मेरी जिम्मेदारी है सभी माननीय सदस्यों की गरिमा को बनाए रखना। आप इस बात से सहमत हैं इनकी बात से? क्या माननीय सदस्य खुद अपने प्रश्न नहीं बनाता, हमारे प्रश्न कोई और बनाता, ये बात से सहमत हैं क्या आप? क्या करेंगे, मैं जो बताता हूं बहुआ मित्र को आप 10 मिनट का जगह 5 मिनट नहीं तो 7 मिनट बोलने दीजिए, इसमें अच्छा